हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीपेट जेई के लिए फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ। इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ। ये जो चैप्टर वाइज जो है, इसमें दूसरा लेक्चर है। इसके पहले मैं मेजरमेंट का बनाया था। अभी आज जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ये आपका वर्क टाइम एंड एनर्जी, कार्य समय और ऊर्जा, तो इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके जो बाकी का वीडियो, उसको देखने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी। बोल रहा कि कार्य अधिकतम होगा यदि बल और जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बीच का कोण होगा, कार्य अधिकतम होगा यदि बल एफ और विस्थापन डी के बीच का कोण होगा। बोला कि इसके बीच का कोण कितना होगा तो हमारा कार्य अधिकतम प्राप्त होगा। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्य का जो फार्मूला होता है, वो कार्य का फार्मूला क्या है हमारा। तो कार्य का फार्मूला होता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या है? बल है, फोर्स। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और कॉस थीटा, तो पूछ रहा है कॉस थीटा का मान कितना होगा तो हमारा कार्य अधिकतम होगा। अगर कॉस थीटा का मान जीरो रखेंगे तो हमारा कार्य अधिकतम प्राप्त होगा। अगर कॉस जीरो रखेंगे, कॉस जीरो का मान एक होता है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा एफ डी आ जाएगा, ठीक है। अगर कॉस 45 रखेंगे तो 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, तो एक से भी छोटा है। 1/√2 बोले तो एक से भी छोटा है, तो इसका जो वैल्यू होगा इससे कम आएगा। अगर 90 रखते हैं तो कॉस 90 का मान होता है जीरो होता है, तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर 180 रखते हैं तो कॉस 180 का भी जो वैल्यू होता है जीरो होता है, तो भी वर्क डन जीरो प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं जो कार्य का जो फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान जीरो रखेंगे तो हमारा कार्य अधिकतम प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट, डी राइट आंसर है, कॉस जीरो। जीरो डिग्री पे हमारा जो वर्क डन प्राप्त होगा वो मैक्सिमम होगा। अभी एफ क्या है? बल है। डी के डिस्प्लेसमेंट है। कार्य का जो फार्मूला होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर कैसे होगा? एफ का फोर्स का मात्रक न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने लिखा नहीं है, बट मैं आपको बोलूँगा, आप उसको ध्यान से सुना करो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जीरो। अभी ये जो कॉस साइन टेन, इसका वैल्यू आपको निकालना आता होगा शायद। अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि आप लोगों को तो याद करना पड़ता है। अगर किसी को याद नहीं, भूल गया एग्ज़ाम के टाइम में, अचानक से भूल गया, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर आपको पता नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं कॉस साइन टेन, इन सब का जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, अगर हमें भूल गया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन ए फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज। जब कोई बल बॉडी की गति की दिशा के समांतर होता है तो बॉडी पर किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल में क्या होगा? जो हमारा एंगल बनेगा वो जीरो डिग्री बनेगा। पैरेलल में जो एंगल बनेगा जीरो डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जब कोई पिंड बल की दिशा में गति करता है या फिर उसके पैरेलल गति करता है ना, तो उसका जो एंगल बनेगा जीरो डिग्री बनेगा, इसके लिए उसका वर्क डन मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन है, इफ ए बॉडी हैविंग मास ऑफ 2 kg रेज्ड वर्टिकल थ्रू 2 m देन द वर्क डन विल बी। कोई 2 kg का बॉडी है, पिंड है,
उसको 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पे हिंदी आप पढ़ सकते हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को 2 मीटर तक लंबवत उठाया जाता है तो किया गया कार्य होगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा 39.2 जूल। अब ये कैसे निकाला हमने, देखिए हमें क्या क्या प्राप्त है। द्रव्यमान का वैल्यू पता है, m बराबर 2 kg दिया हुआ है, ऊंचाई भी पता है 2 मीटर है। तो जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है ना, अभी मैंने ऊपर बताया कि एफ डी कॉस थीटा, और यहाँ पे अभी जो कार्य का फार्मूला यूज करेंगे W बराबर MGH का यूज करेंगे। अभी फार्मूला अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करना होता है। अभी क्या है, जहाँ पे एंगल की बात करेंगे ना तो वहाँ पे हम एफ डी कॉस थीटा यूज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऊंचाई एंड मास का बात कर रहा है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे W बराबर MGH। W बराबर MGH, इसको पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला यही होता है MGH। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का भी फार्मूला यही होता है MGH। तो देखिए अभी हमें क्या क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है और ऊंचाई दिया है। तो द्रव्यमान क्या है हमारा, 2 kg रख दिया m की जगह। अभी जी क्या है, ग्रेविटेशनल त्वरण एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जिसका वैल्यू 9.8 m/s² होता है। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे जी की जगह पे। फिर एच की जगह पे 2 मीटर है, ऊंचाई 2 मीटर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आएगा 39.2 जूल आएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, या इसको न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। अभी ऊपर मैंने बताया था कि न्यूटन मीटर यहाँ पे सॉरी कार्य का मात्रक जूल न्यूटन मीटर दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा 39.2 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्लोप ऑफ वर्क एंड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, कार्य समय ग्राफ का ढलान होता है, कार्य समय ग्राफ का जो ढलान होता है पावर के बराबर होता है। स्लोप जो वर्क और टाइम का जो स्लोप का जो ग्राफ आता है ना, वो हमारा पावर का वैल्यू देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इस पे वर्क रखते हैं, इस पे टाइम रखते हैं, तो जो भी ग्राफ आता है वो हमारा पावर, इसके अंडर जो एरिया आता है वो हमारा पावर का वैल्यू देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कार्य और समय का जो ग्राफ आता है वो हमारा पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टाइड्स रेज द मैटर सॉरी द टाइड्स रेज द मैटर इन द सी रफली इन ए डे, मतलब जो ज्वार आता है ना, पूछ रहा है कि जो ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, एक दिन में कितनी बार आता है, लगभग कितनी बार आता है? तो लगभग एक दिन में 2 बार आता है ज्वार, जो होता है ना ज्वार, जिसको टाइड बोलते हैं इंग्लिश में, पानी की लहरें अप डाउन होते हैं ना, उसी को हम ज्वार बोलते हैं, ज्वार भाटा उसको बोलते हैं। तो एक दिन में 2 बार होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है। तो घर्षण बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटेक्निक और IIT में, तो हमेशा ही पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। अब देखिए बोला कि इफ वेलोसिटी इज डबल देन, यदि वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोमेंटम इंक्रीज 2 times, जो संवेग होगा दोगुना हो जाएगा, और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। अब
हिंदी भी पढ़ सकते हैं आप, मैंने लिख दिया है। संवेग 2 गुना बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बढ़ता है, उसका क्या रीज़न है बढ़ने का। देखिए हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है, के बराबर 1/2 mv². एम क्या है? मास है। वी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक, ये हमारा फार्मूला है के बराबर 1/2 mv². अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो वेलोसिटी है हमारी वो डबल हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो वी की जगह पे क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। जब हम वी की जगह पे यहाँ पे 2v रखेंगे, जब इसको स्क्वायर करेंगे ना, तो 2² = 4 हो जाएगा और v² ठीक। तो 4 को हमने यहाँ पे बाहर ले लिया और 1/2 mv², तो जो हमारी गतिज ऊर्जा आई के बराबर 1/2 mv² × 4, यानी कि 4 गुना, ये 4 गुना बढ़ गया, जो गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुना बढ़ गई, 4 times ठीक। अभी पूछ रहा है मोमेंटम बोल रहे, तो संवेग का जो फार्मूला होता है p = m × v, m हो गया और v की जगह पे क्या रखेंगे? 2v रखेंगे, क्योंकि हमारा वेग डबल हो रहा है, वेलोसिटी ट्वाइस इंक्रीज हो रही है, तो वी की जगह पे 2v रखेंगे, जब इसको करेंगे हम 2 mv आ गया, तो हमारा क्या होता है फार्मूला, mv और यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि 2 गुना डबल बढ़ गया हो, तो हमारा जो संवेग है 2 गुना बढ़ जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ती है। यहाँ पे मैंने सबका मीनिंग लिखा हुआ कि k क्या है और m क्या है, तो आप इसको एक बार फिर से सॉल्व करिएगा इसी फार्मूले पे कैसे सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, एक फार्मूला आपको और बता दूं मैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप नोट कर लीजिए, के बराबर होता है p² / 2m ठीक। ये होता है, कभी पूछ देता कि अगर गतिज ऊर्जा हमारी, संवेग हमारा 2 गुना हो गया, तो गतिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, k = p² / 2m। ठीक है, हमारा संवेग है मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, बट वो किलो वाट घंटा था, अभी यहाँ पे मेगा वाट घंटा है। देखिए पूछ रहा है 1 MWh इज इक्वल टू 1 MW घंटा किसके बराबर है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 1 KW घंटा किसके बराबर है, 1 KW घंटा, तो उसका वैल्यू क्या था, 3.6 × 10⁶ जूल। अभी उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, पूछ रहा है कि 1 MW घंटा कितना होगा, तो मेगावाट घंटा जो आपका वैल्यू आएगा 36 × 10⁸ जूल। अगर इसको और कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो 3.6 × 10⁹ जूल हो जाएगा। कोटिमान निकालना आता होगा आप सबको, तो जब इसका एक पॉइंट इधर लगाएंगे 6 के बाद, तो 3.6 × 10⁸ जूल हो जाएगा। अगर नहीं आता कोटिमान और सार्थक अंक निकालना, तो उस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे को आप मैसेज करो तो मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे, आंसर इतना कैसे आया, देखो पूछ रहा है कि 1 MW घंटा, 1 MW घंटा, देखो 1 MW, 1 MW बराबर, मेगा का जो वैल्यू होता है 10⁶ होता है, ऐसे वहाँ पे किलो हमने लिखा था ना, किलो तो 10³ लिखा था इसका, वैसे ही मेगा का जो वैल्यू होता है वो 10⁶ होता है, तो एम की जगह पे हमने 1 × 10⁶ लग दिया और वाट घंटा ऐसे रहने दिया। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 1 × 10⁶ ऐसे रहने दिया, जब वाट को मैंने ब्रेक कर दिया, वाट क्या है, जूल पर सेकेंड, वाट क्या है, पावर का मात्रक है ठीक। पावर का जो फार्मूला होता है W/T ठीक, W का मात्रक जूल, T का मात्रक सेकेंड, तो यहाँ पे वाट के जगह पे जूल पर सेकेंड कर दिया ठीक है। अभी घंटा है ना, यहाँ पे घंटे की जगह देखिए क्या करेंगे,
एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक। और यस सेकंड कर दिया, ठीक। ऐसे इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10 की पावर 6 और 60 × 60 3600। जब इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो 36 × 10 की पावर 8, ये देखो 36 × 10 की पावर 6 है और एक 20 और है तो इसमें जोड़ जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 36 × 10 की पावर 8। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.6 × 10 की पावर 9 जूल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्क हैज द डायमेंशन एज दैट ऑफ, सेम एज दैट ऑफ। कार्य का आयाम निम्न में से किसके बराबर है, जो कार्य का डायमेंशन है ना वर्क का, तो वो पूछ रहा है किसके बराबर है। तो वर्क का डायमेंशन किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर है। टॉर्क क्या है हमारा, आघूर्ण, ठीक। इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो दोनों का फार्मूला है ना वो सेम होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क का भी फार्मूला वही होता है और वर्क का भी फार्मूला वही होता है, तो इसके लिए जो इसका डायमेंशन आएगा वो सेम आएगा। डायमेंशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके लिए यहाँ पर डायमेंशन इसका निकाल के मैंने बताया नहीं, क्योंकि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। एक दो स्टूडेंट्स हैं उनको आता नहीं है, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, तो इसलिए उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने उसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। आप यहाँ पर बस इतना याद रखो, जो कार्य का डायमेंशन आएगा वो टॉर्क का होगा, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम होता है। जब फार्मूला सेम होगा तो हमारा डायमेंशन भी सेम आएगा, या फिर मात्रक सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम आएगा। इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है और कार्य का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स बो, इट्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम। मतलब कि जब एक धनुष से तीर निकलता है, जब एक कोई तीर धनुष से निकलता है तो उसकी ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जब कोई तीर हम छोड़ते हैं ना धनुष से, तो उसमें कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। जो जब हम धनुष से तीर छोड़ते हैं ना, तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ई क्या है, पोटेंशियल ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और के ई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक गतिज ऊर्जा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूल। बायोमास को ईंधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, वो डायरेक्ट कम्बशन के थ्रू, मतलब डायरेक्ट जलाकर, और फर्मेंटेशन, मतलब उसमें कुछ फर्मेंटेशन करके, उसमें चेंजिंग करके उसको ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। बायोमास का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और बाकी मैं आगे लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मैसेज करें, हमसे पूछ सकता है, या फिर किसी को ये लगता है कि अगर ग्रुप में मैसेज करके पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुमको नहीं आता वो बाकी लोगों को भी नहीं आता, ऐसा सोचो मत कि मुझे नहीं आता है तो सबको आता है, ठीक है। अगर फिर भी आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते, आप मेरे को सोलो मैसेज करके पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट का सोलो मैसेज आ जाता है कभी कभार, और ग्रुप में एक ही दो टॉपिक में देखता हूँ कि पूरे दिन स्टूडेंट एक ही दो टॉपिक लेके चैट कर रहे हैं। उस टॉपिक को थोड़ा कम करो और स्टडी से रिलेटेड बातें करो, दो ही टॉपिक होते हो उसमें, एग्जाम डेट और सैलरी, यानी दो टॉपिक पे पूरे दिन बात होती है मैं देखता हूँ। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई टेंशन मत लो, अगर चेंज होगा तो सबके लिए होगा, अगर चेंज नहीं होगा तो सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। जो भी होगा वो सबके लिए होगा, किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सैलरी भी अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो, तो जब
जॉब लगेगी तब देखा जाएगा, फिर तो उसके बारे में सोच के क्या करना। और ग्रुप में कभी कोई स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं करता है कि कोई किसी को कोई क्वेश्चन फंसा है या फिर कुछ सॉल्व करना है। और जिसके पास अगर बुक है तो बुक का एक बार स्कैन करके, अगर टाइम मिलता तो स्कैन करके ग्रुप में डाल दो, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है और उन लोगों का कॉल आया था कि सर बुक नहीं है। और बुक अगर ऑनलाइन वो लोग बुक मतलब मंगाते हैं तो डिलीवरी डेट काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब एग्ज़ाम के आसपास में डिलीवरी डेट दिखा रहा है, तो एग्ज़ाम के आसपास में अगर डिलीवर करेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा लेने से। तो इसके लिए अगर जिसके पास है अगर उसको टाइम मिलता है स्कैन करके एक बार मैसेज कर दे उसमें, ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।